हेलो हेलो, जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं स्मिता गहलोत बोल रही हूँ, बड़ौदा से। जी बड़ौदा से बोल रहे हैं आप? काफी दूर से आपने फोन किया है। हाँ जी स्मिता जी, जी ये बड़ौदा में आपको हमारा प्रोग्राम कैसे सुनने को मिल रहा है? कैसे सुन रही हैं आप ये प्रोग्राम? मैं इसे रेडियो एप्लीकेशन के थ्रू सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, ये बात हम अपने तमाम श्रोताओं से कह बार भी बार रहे हैं कि है। आप विश्व के किसी भी कोने में रेडियो एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। जी 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 और सबसे पहले तो मैं बोलूंगी सुधा जी, और आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है संदीप जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलिए, कुछ एक बात ही करें आपसे। कोरोना के बारे में क्या सोच रही हैं? क्या अभी तक आपके दिमाग में कोई धारणा बनी है? कैसे आगे बढ़ रही हैं आप? कोरोना तो मैं डर तो रही नहीं हूँ वैसे बिल्कुल भी कोरोना से। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, सेफ्टी लेनी है, सारी सेफ्टी हम लोग ले रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, कॉलोनी में, सोसाइटी, सारा सब लोग ध्यान रख रहे हैं। बाकी डरने से तो कोई फायदा नहीं है, अब जो चीज आ गई है उसे लड़ना ही है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। डरने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं की। है, फायदा नहीं है। लेकिन एक जो डर है वो तो मन में रहता ही है। इस वक्त काम का बोझ बहुत ज्यादा बन गया है, और अगर कहें कि आप घर में सारे काम खुद को करने पड़ रहे हैं, तो बिना मेट के, और आप झाड़ू पोछा बर्तन का ये काम है, उसमें आप को क्या अनुभव रहा आपका, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अनुभव तो बहुत खतरनाक हो रहा है। बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैंने शायद जिंदगी में इतना काम नहीं किया जितना मैं अब कर रही हूँ। पर एक पॉजिटिव बात है कि मैं बच्चों को भी सिखा रही हूँ, बच्चों को भी थोड़ा हेल्प ले रही हूँ, हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। तो उनको मैं सिखा रही हूँ, इस बहाने वो भी सीख रहे हैं थोड़ा। वैसे हस्बैंड को क्या क्या सिखा दिया आपने? नहीं, हस्बैंड को ज्यादा नहीं सिखा पाती हूँ, खाली वो चाय बना लेते हैं और अपनी खाना खा के अपनी प्लेट धो लेते हैं। बाहर के काम उन्होंने सारे जमा है। हमारे लिए बहुत है इतना काम, बहुत है और वो बाहर के सारे काम निपटा लेते हैं। बाहर मुझे घर जाकर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा देख लेते हैं। बाहर आपने कहा, बाहर क्या आप लोग जा रहे हैं? हाँ, मुझे हमारे यहाँ बाहर ही सब्जियाँ और ग्रोसरी सब मिल जाता है। अच्छा, बाहर सप्लाई होती है, घर के बाहर आ जाती है? सोसाइटी के बाहर, सोसाइटी के बाहर आपके यहाँ सब्जियाँ और बाकी चीजें जो है प्रोवाइड की जा रही हैं? जी जी जी, सब मिल रहा है। वो 2-3 घंटे के जो टाइमिंग उन्होंने डिसाइड किए हैं उसमें सब मिल जाता है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ मिल जाता है और आप निडर होकर सब कर रही हैं, काम बहुत कर लिया। कौन सा काम सबसे ज्यादा भारी लगा? बर्तन धोना। मुझे तो अब सपने में भी बर्तन दिखते हैं। मैं आपको बहुत गंदा काम लगता है, बहुत गंदा लगता है सच में। मेरे साथ जो बात हुई है मैं शेयर करूं संजीव, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे बर्तन माजना और धोना बहुत पसंद है। आप सारी दुनिया के बर्तन मजवा लो, लेकिन कपड़े धोने में मेरी जान निकल जाती है। और अभी मैंने अपनी सासू माँ को फोन करके बताया कि मैं कपड़े धोना सीख गई, मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसे मैं भी बर्तन धोना सीख गई। जल्दी और साफ बर्तन धोने लगे हो 15-20 दिन में। ये बात सही है कि हर व्यक्ति को अलग अलग काम जो है पसंद और नापसंद होते हैं। स्मिता जी, आपने हमारे प्रोग्राम में जो है जितनी जिंदा दिली से बातचीत की है और बातचीत कर रही हैं, हमें लगता है हमारे तमाम श्रोता जो है ऊर्जा से भर गए होंगे। और आप ही की तरह बस सोचना चाहिए कि पॉजिटिविटी रहना चाहिए, खुश रहने का कोई भी मौका जो है नहीं छोड़े, चाहे वो बर्तन धोने का ही क्यों ना हो। और बर्तन भी धोए या कपड़े धोए तो हंसते हंसते गाते गाते धोए। स्मिता जी, कोई गाना जो आप इस वक्त सुनना चाहें, आपका हम सुनवाना चाहेंगे? ये तुम साथ हो जब अपने, कालिया मूवी का है। हाँ जी, बहुत बढ़िया गाना है। और सच में परिवार साथ हो जाए, समाज पूरा साथ हो जाए, तो हम इस महाजंग को, महाबीमारी को, और ये महामाया कहूं मैं तो, अगर हंसने की बात करें तो इस माया से बड़ी जल्दी मुक्ति पा लेंगे। वैसे बिल्कुल वैसे इस जंग में आपको जो है हस्बैंड का साथ काफी मिला है इतने दिनों में, और आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि घर पे समय नहीं देते हैं, तो ये जो इतना समय दिया है वो इकट्ठा समय काफी है कि नहीं? बहुत है।
ये जो मजाक की बात है लेकिन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात हुई है इस चीज की, जो फैमिली संग में रह रही है। सही बात है। देखिए आपसे बात करते हुए दो तीन बातें सामने आई संजीव, हम सबको कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि निडर रहें, काम करें, नए नए तजुर्बे बीच में लाएं और हंसते रहें। बहुत 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 धन्यवाद स्मिता जी, आपने हमसे बातचीत की, आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए जी। ओके थैंक यू।